थाईलैंड अब एक बुद्धिस्ट कंट्री है, किंतु यहाँ बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग नहीं समझा जाता है। थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है। एक अयोध्या थाईलैंड में भी है। रामायण थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है। गरुड़ थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। थाईलैंड की मुद्राओं में हिंदू प्रतीकों के चिन्ह है। थाईलैंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे का नाम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है और थाईलैंड के राजा का आज भी राज्याभिषेक होता है, वह भी हिंदू विधि से। विश्व की सबसे ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा थाईलैंड में है। चक्री राजवंश का प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र एवं भगवान शिव के त्रिशूल से बना है। यहाँ के बौद्ध मंदिरों में भी विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और देवी के विग्रह मिलना बहुत ही आम बात है और थाईलैंड की रामलीला भी जगत भर में प्रसिद्ध है।